पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 11 से 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ रवाना किया और उन्होंने कहा कि जितने भी नेतागण हैं सभी गांव में जाएंगे और प्रत्येक घर के दरवाजे खटखटाएंगे और सदस्य बनाएंगे। इस पर पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आप दिल्ली जाने वाले हैं तो किस काम से, क्या आपका मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई मंत्रिमंडल विस्तार का लक्ष्य नहीं है, दिल्ली जा रहे हैं सदस्यता अभियान के लिए। इसी के साथ तेजस्वी यादव की यात्रा पर उन्होंने कहा कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारी में जो भी करना है वो तो करेंगे, जाने दीजिए, बैठे बैठे घर मन नहीं लग रहा है उनको, इसलिए वो आभार यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। घूमने फिरने तो हम नहीं बता सकते उनका क्या करना है। एक सवाल है सर, दिल्ली आप लोग जा रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात नहीं, कोई मंत्रिमंडल के विस्तार पर हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, सदस्यता अभियान का समीक्षा है कि आगे की रणनीति सदस्यता के लिए और क्या किया। कल सर प्रदेश अध्यक्ष जदयू से मुलाकात हुई है बोर्ड आयोग के, हम लोग मिलते रहते हैं और कोई बोर्ड आयोग और किसी तरह का मंत्रिमंडल पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई। हम लोग तो ऐसे बैठे थे कि आगे का संगठन को कैसे जो है निचले स्तर तक धारदार बनाया जाए। लाइट छूट जाएगा, कोई नहीं, तुम्हारा आज सदस्यता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है 11 तारीख से लेकर 17 तक, सदस्यता अभियान में हमारे सभी पदाधिकारी, सभी मिनिस्टर, सभी विधायक चलो बूथ की ओर, गांव की ओर चले हैं सब लोग, सभी विधायक, सभी मिनिस्टर, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को 7 दिन गांव में ही पदयात्रा करना है और गांव में जाकर दरवाज़ा खटखटाना है और खटखटा करके भाजपा का सदस्य बनाना है, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराना है और घर घर जाना है सब लोगों को। इसीलिए आज ये यहां से शुरुआत हुआ, बहुत लोग अपने अपने जगह से अपने अपने गांव की ओर निकल चुके हैं, सभी विधायक अपने क्षेत्र में जो है प्रत्येक दिन कम से कम 5 पंचायत में अवश्य जाएंगे और जहां भी वो जाएंगे वो पूरा रिपोर्ट जो है प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। तो इस तरह करके हमारा सदस्यता अभियान के लिए आज हमारे सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता से लेकर नेता तक 7 दिन के लिए चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, चलो मतदाता के पास। इस कार्यक्रम गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है, पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए, क्यों छटपटाहट भाई, इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। जमीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी जमीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। तेजस्वी जी को घर में मन नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा घूम घाम करके आ जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव यात्रा में क्या कहेंगे, अपने पिताजी के पाप का जो कृत्य है उसको बताएंगे क्या, जितने भी पाप किए हैं सभी जनताओं के बीच में जाकर तेजस्वी यादव
सबसे बताएं कि मेरा पिताजी ने कितने पाप बिहार में रहकर किए, सत्ता में रहकर किए, इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।